नमस्कार दोस्तों, मैं सरवीन जांगिड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप वर्तक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बड़ी संख्याओं का HCF फास्ट कैसे निकालते हैं। वो सो ट्रिक आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता क्या है। दोस्तों, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर का मतलब ये होता है कि 6 में किस किस संख्या का भाग जाता है, या किस किस से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 1 का भाग जाता है 6 में, 2 का भाग जाता है 3 का, और 6 का। तो ये चारों क्या कहलाएंगे? 6 की क्या हैं? फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। इसको अपवर्तक भी बोलते हैं। फैक्टर को क्या बोलते हैं? अपवर्तक भी बोलते हैं। जैसे 8 है, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे? 8 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। तो ये चारों क्या हैं? 8 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर का मतलब तो क्या हो गया कि इस संख्या में किस किस का भाग जाता है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों संख्या में हो, जो दी गई संख्या में हो, 2 हो चाहे 3 संख्या हो चाहे 4 संख्या हो, दी गई संख्या हो सब में शामिल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा अंक है, जो संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है? 1 और 2, और 1 और 2, ये दोनों फैक्टर हैं, दोनों के अंदर हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? हाईएस्ट, यानी बड़ा सा बड़ा फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 2। तो इसका HCF क्या होगा? 2 होगा। ये दोस्तों बेसिक तरीका होता है HCF का, लेकिन हम सो ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे, ये सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिक तरीका था समझने के लिए। तो अब पहला प्रश्न देखते हैं और सो ट्रिक से हम कैसे इनको सोल्व करेंगे। जैसे 24, 30 और 42, 42, इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो दोस्तों, हम इसके फैक्टर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें जो भी दो नज़दीक संख्याएं हैं, सबसे नज़दीक संख्याएं हैं, उनका अंतर निकालेंगे। जैसे 24 और 30 का अंतर कितना होता है? 6, और इनका अंतर ज़्यादा हो जाएगा, इनका अंतर होता है 12। हमें दो नज़दीक संख्याएं देखनी है, जो सबसे नज़दीक हो वो संख्याएं लेनी है और उनका अंतर लेना है। तो 24 और 30 का अंतर कितने है? 6। तो दोस्तों, या तो इसका HCF 6 होगा या 6 का कोई फैक्टर होगा। सबसे पहले चेक करते हैं 6 क्या करेंगे। 24 में भाग देंगे 6 का, जाता है? जाता है। 30 में भाग देंगे 6 का, तो जाता है 5 बार। 42 में भाग देंगे 6 का, जाता है 7 बार। इसका मतलब इसका HCF क्या होगा? 6 होगा। क्या क्या दोस्तों? हमने दो नज़दीक संख्याओं का अंतर लेंगे और उसको चेक करेंगे कि उसका भाग जाता है नहीं जाता। अगर सभी संख्याओं में उसका भाग जाता है तो वो HCF कहलाएगा, अगर नहीं जाता है तो उसके फैक्टर चेक करेंगे। अगला एग्जाम्पल से चेक करते हैं। जैसे 30, 42, 135। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर चेक करेंगे दो नज़दीक संख्याओं का। तो इनका डिफरेंस कितने का है? 12 है, 12 है, इनका तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो सबसे छोटा अंतर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 का भाग देंगे। 30 में 12 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो कैंसिल हो गया, यानी कि 12 इसका HCF नहीं होगा। अब 12 के हाईएस्ट फैक्टर चेक करेंगे, तो 12 का नहीं जाता, तो 12 का बड़ा फैक्टर क्या है? एक 6, 6 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 गुना 6 क्या होता है? 12 होता है, ये भी इसका फैक्टर है। तो 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा 135, क्योंकि 6 के टेबल में कभी 5 नहीं आता है। तो उसके बाद में अगला फैक्टर चेक करेंगे, ये तो होगा 2 गुना 6, अगला होता है 3 गुना 4, 3 गुना 4, 4 का भाग इसमें से, इस 4 का भी नहीं जाएगा। फिर 3 का, 3 का भाग 30 में जाएगा, 3 का भाग 42 में जाएगा और 135 में भी जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, इसका मतलब इसका HCF क्या होगा? 3 होगा। क्या क्या दोस्तों? हमने अंतर निकालो, अंतर का भाग दो, अगर अंतर से डिवाइड नहीं है तो अंतर उसका HCF नहीं होगा, फिर उस अंतर के फैक्टर निकालेंगे। जैसे 12 में भाग जाता है 6 का, 4 का, 3 का, अगर इससे भी नहीं जाता तो फिर आगे भी चेक करते, और अगर किसी का भी नहीं जाता है तो लास्ट में क्या बचेगा? 1, तो फिर HCF क्या होगा? 1 होगा। अगला एग्जाम्पल है 132, 204, 228, तो इनका डिफरेंस कितने का? 24, 24।
तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें 24 से 132 में 24 का भाग नहीं जाता है, तो फिर 24 का नहीं जाएगा, तो इसका दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? 12। सबसे पहले बड़े फैक्टर चेक करने, छोटा फैक्टर चेक नहीं करना, क्योंकि 2 गुना 12 कितना होता है? 24। तो 12 का भाग देंगे, 132 में 12 का भाग देंगे तो 11 बार जाता है, 204 में 12 का भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, 17 गुना 12 होता है 204, और 228 में 12 का भाग देंगे तो जाएगा 19 बार। आप ट्राई करके देख सकते हैं, तो इसका एचसीएफ होगा 12/12 है। दोस्तों आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इसका एचसीएफ होगा, ज़्यादा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है 625, 775, 905। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर चेक करेंगे, सबसे नज़दीक का अंतर होना चाहिए, तो इनका जो अंतर होगा वो तो होगा 150 का, और इनका जो अंतर होगा वो होगा 130 का, ये वाला अंतर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें अंतर कितने का आया? सबसे छोटा अंतर 130 का, 130 का। तो 130 का भाग देंगे तो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो 5 है, और 130 से डिवाइड यहाँ पर 0 है, तो 0 होगा तभी भाग जाएगा, अन्यथा 130 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर से चेक करेंगे, क्या होता है 2 गुना 65, ये भी कितना होता है? 130 होता है, तो 65 का भाग देकर चेक करेंगे इसमें, फिर उसका भी नहीं जाता है, फिर ऐसे इसमें इसका फैक्टर कर करके चेक करेंगे, लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। दोस्तों इसमें सिर्फ 5 का भाग ही जाएगा, बाकी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, 65 में भी क्या आता है? 13 आता है, 13, और 13 का भाग इसमें नहीं जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हो, इसमें 13 का भाग नहीं जाएगा, और इसमें क्या है, इकाई का अंक 5 है, 5, और जब संख्याओं में इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से तो विभाजित होगी ही, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 1785, 1995, 3381। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या करेंगे, दो नज़दीक संख्याओं का अंतर निकालेंगे। दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसे अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, अंतर से अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप इनके फैक्टर भी करके चेक कर सकते हैं। वैसे फैक्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा, ये वाला डिफरेंस वाला बेस्ट है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे इसमें होता है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इनका अंतर कितने का होगा? 210 का। 1785 और 1995, यहाँ पर 5 है, इनका अंतर होगा 210 का। फिर आगे भी आप चेक करोगे, सबसे छोटा अंतर क्या है? 210। तो सबसे पहले 210 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर 5 है, तो जाएगा नहीं। उसके बाद में 210 के फैक्टर करेंगे, 210 का पहला फैक्टर क्या होगा? 105 गुणा 2, तो हम तो 5 चेक करेंगे, 105 का, 105 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या 1 है, यहाँ पर 1 है, और 100 जब इकाई का अंक 5 हो तो या तो 5 आएगा या 0 आएगा, 1 तो कभी नहीं आता है। इसका दूसरा फैक्टर होगा 3 गुणा 70, तो 70 में तो 0 है, ये भी नहीं जाएगा। इसका अगला फैक्टर क्या होगा? 6 से चेक करेंगे, 5 से, 5 से तो क्या आएगा? 42, वो भी 2 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि 5 गुणा 42, ये भी क्या होता है? 210 ही होता है, लेकिन 42 से विभाजित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या 1, तो 2 की टेबल में कभी भी 1 नहीं आता है। ऐसे इसमें आगे भी चेक करेंगे, फिर लास्ट में क्या आएगा? 2 21 गुणा 10, 21 का इसमें भाग देंगे, तो दोस्तों इन सभी संख्याओं में 21 का भाग जाता है, इसमें 21 का भाग जाता है। आप चेक कर सकते हो, 1785 में भाग दोगे 21 का, 1995 में भाग दोगे 21 का, 3381 में भाग दोगे 21 का, तो आसानी से विभाजित हो जाएंगे, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 21। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।